हेलो दोस्तों, कौन कौन यहाँ पर डूम का स्टेशनरी सेट का फैन है? तो ये वीडियो उनके हैं लिए यार जो स्टेशनरी सेट्स में देखना चाहते हैं। ये देखिए बहुत ही मोटा वाला बैग है, खाली ये स्टेशनरी सेट ही है, इसमें ढेर सारा है। और यहाँ पर देखिए स्टेशनरी सेट को उठाने के लिए यहाँ पर आपको ये दो देता है, एकदम फुल्ली बैग है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए एक एक करके बता देता हूँ। डूम्स का कलेक्शन है कंप्लीट मेगा सुपर क्यूट एक्सेलेंट कलेक्शन बोल सकते हैं। तो चलिए पहला वाला बॉक्स खोल लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो बैग में तो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं यार, सामान भर भर के है, एक एक करके देखेंगे। ये देखिए, ये है डूम का जंबो ऑयल पैस्टल्स, ऑयल पैस्टल्स बोल रहा है। तो ऑयल पैस्टल्स को बता देता हूँ किस तरह से दिखते हैं आखिर ये। ओ भाई साहब, ये देखिए ऑयल पैस्टल्स है, क्रेयॉन्स बोलते हैं हम लोग। और कैसे ओरिजिनल कलर बोल रहा है, ब्लेंडिंग स्क्रैच एफर्ट, और क्या है टिंटिंग एंड शेडिंग, और सैग्राफिटो ऐसा भी दे सकते हो, सैग्राफिटो। ये डोम्स की तरफ से है। ओ साहब, बहुत ही बढ़िया है ये कलर, और किसने किसने ये कलर यूज़ किया है तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। चलिए इसको बंद करते हैं, फिर बढ़ते हैं दूसरे वाले जिप की तरफ। बेसिकली कितने पॉकेट्स दिया है, टोटली बहुत ही दो पॉकेट्स दिया है जिसमें कि सारा सामान इन्होंने लगा दिया। ये जिप के भी क्या कहने यार, ओ साहब क्या निकला है, ये देखिए डोम्स में निकला है ये एरोप्लेन, और इसमें ये कलर्स हैं विद शॉर्पनर दिया है। डोम्स की खासियत है कि अपना शॉर्पनर ये खुद ही देता है। वाओ, ये देखिए क्रेयॉन्स, ये क्रेयॉन्स दिया है, बहुत ही बड़ा कलर्स है, और ये इसको और अच्छे से इसमें से लगा सकते हैं। फिर इसको छीलने के लिए भी ये ज़बरदस्त शॉर्पनर इधर दिया है। डूम्स के 14 प्लास्टिक क्रेयॉन्स है, वो ऑयल पैलेट्स थे, ये क्या सो क्रेयॉन्स है, सिंपल क्रेयॉन्स कलरफुल। किस किस को कलर करना बहुत पसंद है यार, कौन कौन देख रहा है ये वीडियो कलर्स के लिए। तो यहाँ पर इसको लगा देंगे। ओ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया है ना, ये देखिए अभी सेफ भी रहेगा ये। चलिए इसको यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो आपको दिखेगा ये। तो चलिए नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या कहूँ मैं, ये देखिए शॉर्पनर है ये। ओ देखिए, ओ भाई, यहाँ पर आप इसको शॉर्पनर कर सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं, कैसा भी लगाओ ये लग जाएगा इधर। क्यों बोलते, ये शेप को पेंटागोन बोलते हैं, पेंटागोन को आप किस तरह भी लगा लो ये हो जाएगा, लग गया। तो बहुत ही बढ़िया पेंटागोन मिला था। चलिए जो मिलता है वो निकाल रहे हैं। ओ भाई साहब, ये तो कुछ हाईलाइट वाला दिख रहा है, डोम ब्रश पेंस करे। तो अब ये बेसिकली ब्रश पेंस बोल रहा है, तो इसको ज़रा थोड़ा नीचे करते हैं तो ब्रश पेंस दिखा लूँगा मैं कैसा है आखिर। ये देखिए ब्रश पेंस बोल रहे हैं, तो काफ़ी कलर्स आए हैं इधर, देखते हैं कैसा है ये। ये देखिए बहुत ही बारीक ही ब्रश है, और इससे कैसो आप कैसो कलर कर पाएंगे शेडेड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन वाला है, और इसकी शार्पनेस तो देखिए भाई साहब क्या है। ये देखिए साहब कितनी बारीक है, बारीकी में जो मज़ा है ना, शायद वो कहीं नहीं। तो ये करने के लिए आपको मास्टरपीस बहुत ही चाहिए होगा ये, और काफ़ी बढ़िया है ये। तो डोम्स के ये डोम्स ब्रश पेंस बोल सकते हैं इसको, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं करने के लिए। और इसके साथ इसमें कुछ और भी दिया है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा ऑलरेडी यहाँ पर किसी ने कर रखा है, तो अब ये देखिए मस्त पेपर दिया है ये, पेपर भी थोड़ा कॉस्टली है। और चलिए इसे रख देते हैं, अगर इसके ऊपर पेंटिंग करेगा तो आपका पेंटिंग परमानेंटली रहेगा। तो ये यहाँ पर देंगे और इसको ये यहाँ रखेंगे, तो एकदम है ना बढ़िया, बढ़िया सी चीज़ दिख गई, तो इसी बात पे तो लाइक होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या दिया है। ये डोम्स क्या है, 5 सुपर डार्क शेव कहते हैं डोम्स की तरफ से। ओ भाई साहब, ये शेड्स विथ रबर दिया है, इसका इरेजर दिया है, ये HP बार टू डार्क शेड के, टोटल क्या सो 5 पेंसिल दिया गया है यार इसमें।
तो आप अगर ड्राइंग कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, तो ये शायद आपको बहुत मज़ा आएगा ये लेने में, करने में, और ये काफ़ी इजी भी होता है यार, ये इससे करने से ज़रा मज़ा भी आएगा। तो इसको यहाँ पर लगाते हैं, चलिए देखते हैं। ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है यार, एक एक करके निकल तो जा रहा है। ये देखिए मैजिक डोम्स मैजिक पेन बोल रहा है, 8+2 टोटल 10 पेन आते हैं मैजिक पेन डोम्स के। ओ भाई साहब, चलिए यार लाइक कर दीजिए। हाँ तो ये देखिए कलर्स किस तरह से निकल रहे हैं, तो दो यहाँ पर कलर्स हैं बता देता हूँ मैं। ये देखिए कलर्स ऑरेंज वाला बता रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए ये डार्क है और एक कैसो थोड़ा लाइट है। तो ये स्केच पेन्स हैं डोम्स के तरफ से, टोटल कैसो हमें इतने शेड्स आते हैं, और इतने शेड्स में आपको आपका फेवरेट कलर कौन सा है यार। चलिए इसको इसमें लगा दिया है और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो डोम्स का कलर बहुत ही बढ़िया था, अभी बढ़ते हैं आगे ये वाले की तरफ जो डोम्स की तरफ से मिलता है, डोम्स एक्वा 12 वाटर कलर पेंसिल्स। तो ये वाटर कलर पेंसिल्स है, ये थोड़ा ब्रश लगते ही वो हो जाएगा वाटर कलर्स, तो देख समझ के करना पड़ता है, वरना पता है ना क्या होगा, हाथ तो खराब होगा ही होगा, बुक भी जाएगा। ओ भाई साहब, ये देखिए कितना सफाई से रखा गया है और कितना बढ़िया दिख रहा है यार डोम्स का। और यहाँ पर देखिए एक ब्रश भी दिया गया है, बहुत ही प्यारा छोटा सा ब्रश है ये, नाइस। और ये क्या है, पेंसिल्स दिया गया है, शॉर्पनर भी दिया है, जिस तरह ड्रोन डोम का जो होता है ना, हर एक के लिए एक सेपरेट से वो दे देता है ये। तो ये था डोम्स का दूसरा वाला, अभी चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। डोम्स के क्या दिया है देखते हैं, वैसा इतने सामान दे रहा है यार। और ये देखिए डोम्स रेक्टेंगुलर इरेजर, तो ये इरेजर है, जब आप कभी भी आर्ट उतारते हो तो उसको रब करने के लिए ना, ये देखिए फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं अभी, टिक टिक वाला इरेजर, ये देखिए टिक टिक वाला इरेजर है ना, एकदम बढ़िया। तो ये कितने दिया है टिक टिक वाला इरेजर, और यहाँ पर इसके ओ भाई साहब रिफिल दिया है इरेजर्स का, ये देखिए सॉलिड है यार, नाइस। ये एक रिफिल और ये एक पेन, तो यूज़ करने में मज़ा आएगा। तो चलिए इसको साइड में लगाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। ओ भाई साहब, ये देखिए डोम्स की एवर एम्बिशन नीड्स प्रिपरेशन वैक्स क्रेयॉन। जी हाँ, वैक्स क्रेयॉन हमारे फेवरेट हैं, जिसमें वैक्स से हम कैसे कलरिंग कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्रेयॉन से खेलना, और बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है क्रेयॉन्स। तो चलिए क्रेयॉन्स को साइड में लगाते हैं और बता देते हैं नेक्स्ट क्या है। ओ भाई साहब, ये क्या है, डस्टर कलर चौक, ये कलर चौक बोल रहा है, ये देखिए चौक से इसमें कलर चौक्स निकले हैं। तो चलिए एक बता ही देता हूँ मैं, ये देखिए कलर क्या सो चौक है, बोर्ड पे लिख सकते हो आप, लेकिन कुत्ता खास नहीं दिख रहा है, तो इसको अंदर ही रहने देते हैं। और क्या क्या देगा भाई ये, इतना सारा डोम्स में। ओ भाई साहब, खुलते खुलते तो हमारा वो हो गया अब, लेकिन आप तो लाइक कर देते हो तो हमारे को और एनर्जी आती है, लाइक कर दिया, हाँ यस आ गया एनर्जी। डोम 12 जंबो वैक्स क्रेयॉन, जंबो जंबो जंबो। ओ भाई साहब, ये जंबो वाला तो देखिए वैक्स क्रेयॉन, ओहो हो हो माय गुडनेस, बहुत ही बढ़िया क्रेयॉन्स है ये, है ना एकदम बढ़िया क्रेयॉन्स, देखिए इस तरह से आ रहे हैं। तो ये क्रेयॉन्स को यहाँ पर लगाते हैं, ये जंबो क्रेयॉन्स है, वो छोटे क्रेयॉन्स क्रेयॉन्स थे। अभी देखते हैं ये वाला, पूरा टेबल भर जा रहा है यार, कितना भी निकालो निकलते जा रहा है निकलते जा रहा है, कितना देगा भाई ये। ये देखिए डोम्स वैक्स क्रेयॉन बाई कलर, बाई कलर बोला है, बोलते हो दो दो कलर होगा शायद, तो चलिए बता देते हैं बाई कलर कैसा होता है ये। अरे बाप रे, यहाँ पर तो कार है, ये देखिए भाई साहब
कार है, एक कार बन के दिया गया है, बहुत ही बढ़िया कार है ना, एकदम सही वाली, चमचमाती तो नहीं है लेकिन, बट ये नथिंग बट ये आपका इरेजर है जिससे आपको वो करना है मेंटने के लिए। बहुत ही बढ़िया कार दिया गया है क्रेयॉन्स में, लाइक तो बनता है इसके लिए। चलिए इसको यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर देखिए डबल शेडेड बोला गया, तो एक दो एक दो एक दो कलर्स भी दिया गया है। वाह यार, अभी थोड़ा बचा हुआ है, निकाल लेते हैं, देखते हैं आखिर क्या है बाकी के दो। तो फाइनली इसको एम्प्टी कर लिया है हमने। ये देखिए यहाँ पर एक क्या सो आपका रिफिल है रबर का, और एक यहाँ पर आपका पेंसिल दिया गया है, और यहाँ पर तरह तरह के पेंसिल्स हैं, कलर पेंसिल बोल सकते हैं, बाई कलर्स है ये भी, 1x1 टू साइड, तो बाई कलर्स है। इतना सारा आपको दिख गया है ये सिर्फ हमारे चैनल पे। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, लाइक करने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।